2024 के ओलंपिक में भी अवन शरावत उसी पर खरे उतरेंगे और भारत के लिए मेडल लाएंगे, गोल्ड ले आए तो बात ही है। रेसलिंग की बात हो, हरियाणा के प्लेयर नाउ हो ही नहीं सकता। बात कर रहे हैं अमन शेरावत की, पहलवान अमन शेरावत एकमात्र पुरुष कैंडिडेट हैं जो रेसलिंग में 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा से आते हैं ये भी। अब हरियाणा की धरती तो पहलवानी पैदा करती है, बॉक्सरी पैदा करती है, लेकिन बात ये है कि जो 6 की टीम है रेसलिंग के पूरे कंटिंजेंट में, 6 की टीम में एकमात्र एक ही लड़का है जो अपनी छोरियों को टक्कर दे रहा है। अब अमन की जिंदगी भी बहुत आसान नहीं रही है, इनके जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने बहुत ही कम उम्र में संघर्ष के साथ संघर्ष करना और संघर्ष को जीत कर किस तरह से उसे आप सक्सेस में बदल सकते हैं ये सीख लिया है। अब अमन की अगर बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक में 57 kg वर्ग में वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, भारत की नुमाइंदगी करेंगे। 16 जुलाई 2003 को झज्जर हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र की उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इस बहुत ही कम उम्र में इस शख्स ने जीत का स्वाद चखा है, लेकिन संघर्ष करके सीखा है। अब शरावत की बात करते हैं अमन की, तो आपको बताते हैं कि झज्जर के गांव बिरहोर में मिट्टी के पहलवान के रूप में इनकी शुरुआत हुई, यानी कि इन्होंने मिट्टी में अखाड़े में कुश्ती करना सीखा। और जब सुशील ने लंदन ओलंपिक्स में खेलों में दूसरा ओलंपिक पदक जीता था तो शरावत ने अपने पिता को कहा कि वो भी पहलवानी करना चाहते हैं और उन्होंने दाखिला लिया जहाँ भारत के सर्वश्रेष्ठ पहलवान प्रशिक्षण लेते थे, यानी कि छत्रसाल स्टेडियम में वो पहुंचे दिल्ली के। तो पिता को बोला कि मुझे भी कुश्ती करनी है, मुझे भी सुशील जैसा देश के लिए पदक जीत कर लेकर आना है, तो मुझे आप दाखिला करा दो, और उनके पिता ने दाखिला करवा दिया। लेकिन देखिए जीवन में किस तरह से दुखों का पहाड़ आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि परेशानियों का अंबार टूटता है। अपने प्रशिक्षण के सिर्फ एक साल के बाद उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। सोचिए 11 साल का महज बच्चा और 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देना, इस बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सोचिए कि इसका निश्चय इतना दृढ़ था कि इसने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाया अमन शरावत ने, और लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और पहलवानी नहीं छोड़ी। अब उसके घर वाले जो बताते हैं, क्योंकि अब तो अपने रिश्तेदार के साथ वो पला बढ़ा, रिश्तेदार जो बताते हैं उनका जो गांव है और जहां पर उनका घर है वो मेन रोड से करीब 4 किलोमीटर दूर है, मिट्टी रेत पड़े होते हैं, बारिश के दिनों में और दिक्कत हो जाती है, पानी भी बामुश्किल मिलता है क्योंकि ट्यूबवेल के जो पानी है उसके जरिए इनको पानी मिलता है, और साथ ही बिजली का हाल ऐसा है कि जो ट्यूबवेल के लिए खेतों में जो पानी जाता है उसी से इनके घर तक बिजली पहुँचती है। तो काफ़ी कठिनाई थी, और यही वजह है कि परिवार ने कहा कि अमन को तंग ना किया जाए और अमन को छत्रसाल में ही रहने की व्यवस्था की गई जहां वो रेसलिंग यानी कि कुश्ती सीखता रहा। अब धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती रही और छत्रसाल उनके लिए घर बन गया, और उन्होंने कोच ललित कुमार के मार्गदर्शन में रेसलिंग करना और रेसलिंग सीखना शुरू किया और वो करते रहे। अमन शेरावत अंडर 23 विश्व चैंपियन और स्पेन के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अंडर 23 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। परिवार की परेशानियों को दरकिनार करते हुए अमन शेरावत ने अपना लक्ष्य रखा कुश्ती सीखना, और छत्रसाल में आकर उन्होंने अपना एक घर ही बसा लिया, यहाँ पर ही वो रहने लगे और कोच ललित कुमार के मार्गदर्शन में कुश्ती में आगे बढ़ते रहे। सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका आया जब वो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता, रजत पदक उन्होंने जीता, और ये बड़ा अचीवमेंट था अंडर 20 में। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त आपको हम बताएंगे किस तरह से एक के बाद एक चैंपियनशिप में वो जीतते गए, पदक लाते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस बीच में सुशील कुमार जिसको देख कर अमन शेरावत ने तय किया कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक पहलवान बनूंगा और देश के लिए मेडल लाऊंगा, उसी सुशील कुमार ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला दिया
और उसी के चलते अमन शेरावत झंडे गाड़ते रहे कुश्ती के मैदान में। और क्या था वो भी कहानी आपको बताते हैं। ये खुद अमन शेरावत ने कहा कि सुशील कुमार के साथ एक फोन कॉल में उनकी बातचीत हुई और इस बातचीत ने उनकी जिंदगी बदल दी। सुशील ने क्या कहा, सुशील कुमार ने कहा कि ज्यादा रक्षात्मक मत बनो और लक्ष्य क्या रखो, लक्ष्य ये रखना है कि पूरे 6 मिनट लड़ना है। ये सुशील कुमार ने कहा कि आपको रक्षात्मक नहीं खेलना है, 6 मिनट अगर मैट में है तो 6 मिनट आपको लड़ना है। सामने वाले को मौका मत दो कि वो आप पर हावी हो और 6 मिनट उस पर ही हावी रहो, जहां मौका मिले उसे धोबी पछाड़ दो, उठा के पटक दो मैट पर। और यही जो आक्रामक खेल सिखाया और ये जो गुरु मंत्र दिया सुशील कुमार ने अमन शेरावत को, उसने की जिंदगी बदल दी। और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए अमन शेरावत। अब पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं, जैसा हमने बताया, उनसे बहुत उम्मीदें हैं देश को। लेकिन उसके साथ ही आपको जरा उनके हम बताते हैं कि आखिरकार रिकॉर्ड क्या रहा है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड से आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक खेलों में अपनी जगह बनाई। फ्री स्टाइल खेलते हैं और एशियन गेम्स की बात करते हैं। 2022 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता 57 kg में। एशियन चैंपियनशिप में 2023 अस्थाना में 57 kg में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो अब सोचिए कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं तो अब टारगेट कहां पर है, ओलंपिक्स 2023 अगर उन्होंने एशियन गेम्स जीता, 2024 पेरिस में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो गोल्ड लेकर आएंगे। अब इसके अलावा उन्होंने कई सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, जैसे ग्रैंड प्री हम जिसे बोलते हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े रेसलर्स आते हैं। 2022 में अल्माटी में उन्होंने 57 kg में गोल्ड जीता। 2024 जारगेब में उन्होंने गोल्ड जीता। टूनिशिया में 2022 में उन्होंने सिल्वर जीता। बुडापेस्ट 2024 में सिल्वर जीता है और साथ ही 2023 जारगेब में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से लगातार अमन शेरावत मेडल्स लेकर आ रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा वो खेल कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता था, जो बहुत मायने रखता है। और उसके बाद से ही वो लगातार एक के बाद एक इवेंट्स में अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो अंडर 20 चैंपियनशिप, जैसा मैंने कहा था कि 2022 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा उन्होंने एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप में 2022 में बिशेक में गोल्ड जीता है, जो एशियन अंडर 23 था। और इसी तरह से अलग अलग जो टूर्नामेंट्स आप देखते हैं, अलग अलग, खासतौर पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है उसमें अमन ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। अब वही बात आती है कि सुशील कुमार को देखकर इंस्पायर्ड हुए खेलने के लिए उतरे। और जो गेम है इस वक्त अमन का है वो अटैकिंग गेम है, क्योंकि उनको जो गुरु मंत्र दिया है उनके आइडल ने, जिनको वो देखते थे, जिनकी तरह बनना चाहते थे, सुशील कुमार ने फोन करके अमन को कहा कि अपने खेल को रक्षात्मक मत करो, 6 मिनट अगर मैट पर हो आप आक्रामक रहो, हावी रहो। और यही वजह है कि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक लंबी फहरिस्त हमने देखी है अमन शेरावत की 2024 के ओलंपिक में, भी अमन शेरावत उसी पर खरे उतरेंगे और भारत के लिए मेडल लाएंगे। गोल्ड ले आए तो बात ही क्या है।